पुणे के आजू बाजू में करीब 750 एकड़ पर एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन पार्क, एक गार्डन बनाने की योजना बनाई थी। दिल्ली के एलजी और मेरे बीच में करीब 4-5 बार मीटिंग हुई, और आप कभी सिंगापुर जाएंगे तो सिंगापुर में समुद्र के पास एक रिक्लेमेशन करके एक बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है। वहां के कंसल्टेंट को मैंने बुलाया था और लगभग उसका डीपीआर भी तैयार किया था कि दिल्ली में 750 एकड़ जमीन पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा गार्डन बने, और वो प्रोजेक्ट वैसा ही पड़ा हुआ है। और दूसरी योजना थी कि इस देश में हमने पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज लाए थे। मैं खुद हवाई जहाज में बैठकर मुंबई के समुद्र में उतरा था। इसको बोलते हैं एमपीबीएस सी प्लेन, जो पानी पे भी उतरता है और एयर स्ट्रिप पे भी उतरता है। और मुझे ये बहुत अच्छा अनुभव था कि ये जो प्लेन था, आप अगर कभी कनाडा में जाओगे तो वहां वैंकोर करके सिटी है, और वैंकोर से आप सी प्लेन में बैठकर वो बूचर गार्डन देखने के लिए जा सकते हैं। तो ये जो उसी प्रकार का प्लेन लाए और वो सक्सेसफुली ट्रायल हो, उसके नियम बने, और अब देश में 2 कंपनी मिलकर 200 एमपीबीएस सी प्लेन खरीद के ला रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से एयरपोर्ट में नहीं तो तालाब में, डैम में हम उतर सकते हैं, ऐसी योजना को हमने मंजूरी दी। मैंने जब ट्रायल ली तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे भी इस प्लेन में जाना है। तो हमारा जो गुजरात में साबरमती का रिवर फ्रंट है, वहां से प्रधानमंत्री भी इस प्लेन में उड़ के सरदार सरोवर गए और सरदार सरोवर से वापस आए। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से सीधा गुड़गांव को क्रॉस करके आप दिल्ली मुंबई हाईवे में पहुंचेंगे, तो दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा, और डायरेक्ट मुंबई तक जाओगे तो 12 घंटे में होगा, और सूरत में आएंगे तो सूरत से हम 80,000 करोड़ का एक नया रोड बना रहे हैं, जो दिल्ली से चेन्नई के बीच का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम करेगा। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से त्रिवेंद्रम, कोचीन, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, बेंगलोर और कन्याकुमारी हम जाएगा पूरे सूरत। उत्तर भारत से साउथ इंडिया जाने के लिए मुंबई और पुणे और सोलापुर और कोल्हापुर जाने की जरूरत नहीं, सूरत से ही हम पहुंच जाऊंगा। तो 320 किलोमीटर डिस्टेंस का होगा। पूरा देश बदल रहा है, और इसमें आगे जाओगे तो दिल्ली से अमृतसर, हमारा अमृतसर कटरा रोड दिसंबर के पहले बन जाएगा, और कटरा जाने के पहले आप श्रीनगर के तरफ पलट जाएंगे। जम्मू श्रीनगर रोड पर हमने 16 का रेल बनाई है, और श्रीनगर से जाकर आप आगे जाओगे लद्दाख लेह की ओर, तो वहां एक छेड़मोर टनल है, वो भी पूरी हुई है, और उसके बाद कारगिल के नीचे आसिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर की टनल बन रही है, जिसका 70-80% काम पूरा हुआ है, जिसके एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ की, और हमने पैसे बचाए और वो काम 5.5 हजार करोड़ में पूरा हुआ। मुझे एक अमेरिका से एक बड़े उद्योगपति आए, और मैंने कहा, जब उनका मैंने स्वागत किया और मैंने कहा, बोले आपसे मैं नाराज हूं। बोले आप क्यों मेरे से नाराज हैं? बोले आप अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की बात करते हो। मैं कहता हूं वो बात कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। अभी मेरे को बता रहे थे कि मैंने ये रोड बनाया तो आजू बाजू की जमीन की कीमत 3 गुना 4 गुना पड़ गई, बहुत भाव बढ़ गया। तो मैंने उनको कहा, मैं कहता हूं 2024 में हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, आप गलत बोल रहे। गलत क्यों, क्या हुआ गलत? बोले आज ही आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से अच्छा है, ये मैं बताने के लिए आपको बात। उनकी पत्नी मेरठ की है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं पहले 4.5 घंटे में जाता था,
अब मैं आता हूँ तो उनके घर पर 40 मिनट में पहुंचूंगा। और मेरे पास टोयोटो की एक गाड़ी है जो हाइड्रोजन पे चलती है, आज मैं वो लेके नहीं आया, और वो गाड़ी जो है वो मर्सिडीज से अच्छी है, पानी से हाइड्रोजन होगा। एक बार मैं ऐसे ही भाषण में बोलता था तो मेरे पत्नी ने मुझे कहा कि आप बोलते हो कि पानी से कचरे से हाइड्रोजन निकलेगा ग्रीन, फिर उससे गाड़ियां ट्रक बसें हवाई जहाज और रेलवे चलेगी, अब मेरा ही विश्वास नहीं बैठा तो लोगों का क्या बैठेगा। तो मैंने तुरंत विक्रम किर्लोस्कर करके टोयोटो इंडिया के चेयरमैन थे और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ तो मेरे पास ही ये सब इंडस्ट्री, तो मैंने कहा विक्रम मुझे हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए। बोले सर ये गाड़ी में आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे चाहिए नहीं चाहिए। वो गाड़ी मेरे पास लाया हो है यहाँ दिल्ली में, उसका नाम है मिराई, मिराई मीन्स फ्यूचर, और वो गाड़ी हाइड्रोजन पे चलती है। मैं आपको हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि इसके बाद पेट्रोल डीजल की गाड़ी मत खरीदी करिए। दिल्ली को अगर प्रदूषण से मुक्त करना है, मैंने इलेक्ट्रिक लाई। इतने दिल्ली के अखबार वाले पत्रकार मुझे प्रश्न पूछते थे गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का तुम मारोगे क्या, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक बस आ गई, 5 साल के अंदर देश की पूरी इलेक्ट्रिक बस बन जाएगी। अभी ऑलरेडी दिल्ली में आई, देश में आई, इलेक्ट्रिक कार आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आई। ये देश में मैंने ई रिक्शा, मैकेनाइज्ड जीवन ई रिक्शा, 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे, मैंने हमने उनको मुक्ति दिलाई और आज मैकेनाइज्ड जीवन ई रिक्शा पूरे देश में पॉपुलर हुआ। इतना ही नहीं हुआ तो अभी हमने 30 ऐसे रोड बनाए हैं जो राजस्थान या अरुणाचल जैसे सीमावर्ती भाग में है कि जिसमें एयर फोर्स का सबसे बड़ा जहाज जो 2 ट्रक लेके जा सकता है वो भी उतर सकता है। मैं खुद राजस्थान में राजनाथ सिंह जी, उस समय रावत साहब, मैं वीके सिंह साहब, उसी हवाई जहाज